पक्षियों की झूठ की मीनारें धराशायी हो जाती हैं, ऐसे संत सनातन धर्म के रक्षक उत्तर प्रदेश की पावन भू धरा से प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए लेकर आए हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुरोध करती हूँ, वो आए और अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ कर दें। योगी आदित्यनाथ जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारनौद के ऐस पवित्र भूमि पे आप सबने म्यारी राम राम। भारत माता के दादा काला पीर के दादा देवराज के वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नारनौद से लोकप्रिय प्रत्याशी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, इस क्षेत्र से निवर्तमान विधायक और सभी दो के लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे पंडित राम कुमार गौतम जी मंच पर उपस्थित, श्री महंत सुकराई नाथ जी, श्री महंत पालनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश में छपरौली के पूर्व विधायक चौधरी सहेंद्र रमाला जी, जिला पंचायत जिला परिषद के अध्यक्ष श्री सोनू सिवाग जी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ जी, धर्मपीर रतेरिया जी, जयबीर माजरा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और नारनौद और सभी दो के यहां पर उपस्थित मेरे सभी बहन और भाइयों, देश की आन मान और शान की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों की वीर भूमि हरियाणा और भारत के 140 करोड़ जनता का पेट भरने वाले अन्नदाता किसानों की धरती हरियाणा की धरा को, नारनौद की धरा को, हिसार की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, जो उत्साह और समर्थन आज आप यहां भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए अंतःकरण से उद्भूत होकर के आपका मैं स्वागत करता हूं कि आपने जो उत्साह दिखाया है भाजपा के लिए,
यह आज की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक ओर देश की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला हरियाणा, देश के अन्नदाता किसानों की धरती हरियाणा, और दूसरी तरफ भारत को कोसने वाले, भारत की विरासत को गाली देने वाले, भारत के विकास में अवरोध और रोड़ा खड़ा करने वाली कांग्रेस। याद करिए, 22 जनवरी 2024 पांच सदी का, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में अपनी पवित्र धरा पर प्रभु राम लला का फिर से विराजमान हुआ है, फिर से विराजमान हुए हैं। कौन ऐसा भारतवासी है, कौन दुनिया का ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो खुश न हुआ हो, अंतःकरण से खुश न हुआ हो? बहन और भाइयों, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा में पितृपक्ष चल रहा है। हमारी मान्यता होती है, जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, दिवंगत हो चुके होते हैं, इस पक्ष में आकर के इस धरती पर आते हैं, अपनी वर्तमान पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं, और पितृपक्ष में हम भी उन्हें पितरों को तर्पण देकर के, श्राद्ध कर्म करके उन्हें अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक अवसर हम सबके सामने होता है। 500 वर्षों में जब भी हमारे पूर्वज आए होंगे अपने लोग से, तो हमें कोसते रहे होंगे कि कैसे ये पीढ़ी है कि उनके संकल्पों को पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार पितृपक्ष आते ही सभी पितरों को सीम संतुष्टि हुई होगी कि उनकी वर्तमान पीढ़ी के संकल्पों का और सही निर्णय का परिणाम है, अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक सही निर्णय कैसे देश की तकदीर को बदल सकता है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, भारतवासी खुश हैं, सनातन धर्मावलंबी अभिभूत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्हें अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर खुशी नहीं है, वे तो आज भी ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के एक पुरोधा ने कहा था कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। बहन और भाइयों, जब ये हिंदू ही नहीं है तो फिर एक्सीडेंटल हिंदुओं से क्या देश की व्यवस्था चलने वाली है क्या? और क्या ये हरियाणा की तकदीर को, क्या वे अन्नदाता किसानों का सम्मान कर पाएंगे क्या? क्या ये नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे क्या? क्या बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा ये लोग कर पाएंगे क्या? जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर इनको क्यों हम इनको बार बार चुनाव जिताते रहे हैं? याद करिए, एक तरफ अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण होना, ये डबल इंजन सरकार के कारण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 में उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया, और डबल इंजन की सरकार जैसे यूपी में डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ी, मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या में डबल इंजन सरकार ने रामलला मंदिर के 500 वर्षों का विवाद समाप्त कर दिया। और मैं तो इसीलिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का मतलब
समाधान, कठिन से कठिन समस्या का समाधान। कांग्रेस की सरकार का मतलब समस्या। ये देश के अंदर आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या, इसके ताव में अगर आप जाएंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस ही दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी समाधान है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बना तो कश्मीर में धारा 370 भी तो हट गई। मैं आपको बता रहा था ना, अभी 3 दिन पहले की घटना है। मैं जम्मू में था, मुझे एक सभा में जाना था, थोड़ा वहां बारिश पड़ रही थी तो पायलट ने कहा थोड़ी देर बाद चलते, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। एक मौलाना मुझे एयरपोर्ट में मिले, मैं तो पहचानता नहीं था, मैं जा रहा था। उन्होंने कहा कि राम राम साहब, मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने मेरी आवाज आई फिर कि योगी जी राम राम, तो मैं उधर देखा तो मौलाना थे। मैंने कहा भी राम राम। बहनों और भाइयों, मैं भौचक था। मैंने वहां के एक अधिकारी से पूछा, मैंने कहा भी यहां पे क्या राम राम का संबोधन सभी मौलवी करते हैं? कहा नहीं साहब, ये धारा 370 हटने का इंपैक्ट है। जो पहले राम और कृष्ण को कोसते थे, भारत को कोसते थे, आज उनके मुंह से राम राम निकलना है। और याद रखना, ये मजबूत भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा उतना ही हरे रामा हरे कृष्णा का भजन भारत की सड़कों पर सर्वत्र ये नजारे देखने को मिलेंगे। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक गौरव की अनुभूति कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, दुनिया के अंदर आप जाकर के देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आज के दिन पर भारत के बगैर नहीं हो सकता। भारत आज दुनिया के ध्रुवीकरण को तय कर रहा है। जहां भारत होगा वो मजबूत होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और जब हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई थी, बहनों और भाइयों, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां पे रेल कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, कई मेट्रो का संचालन हुआ है, कई अच्छी मंडी बनी है, IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। नौजवान जो पहले भेदभाव का शिकार होता था, आज भेदभाव का शिकार नहीं है बल्कि नौकरी प्राप्त कर रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान के सामने पहचान का संकट था। एक कांग्रेस तो माफियाओं की सागर थी, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, खनन माफिया हो, पन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सब के सब कांग्रेस के सागर हैं। कांग्रेस इनके माध्यम से जनता का शोषण करती थी। डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त किया, विकास के पथ पर विरासत का सम्मान करते हुए आज आगे बढ़ाया है। आज सोचिए ना, कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, कल ही कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और
हरियाणा को तो कहना ही क्या, प्रकृति और परमात्मा की भूमि है, नारायण की भूमि है। नारायण तो सर्वत्र विराजमान है, उसकी कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है, उसकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है, और बहनों और भाइयों 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये भाजपा का नारा था, सबका साथ और सबके विकास का, विकास सबको पहुंचाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको पहुंचाया, देश की विरासत का भी सम्मान किया, और साथ साथ देश को सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण भी दिया। बहनों और भाइयों आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, कैप्टन अभिमन्यु जैसा नेता आपको प्राप्त हुआ है। याद करिए, याद करिए, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए समर्पित की हो, और जैसे वहां से अवकाश प्राप्त किया आए, उन्हें लगा कि नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए जाना है, शेष जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा पंडित रामकुमार गौतम जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, कहा कि नहीं आवश्यक है नारनौ से कैप्टन अभिमन्यु आना चाहिए, और मैं स्वयं सफीदों से लड़ूंगा। और बहनों और भाइयों, कैप्टन अभिमन्यु विकास के प्रतीक है, एक विजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के विजन को जमीन पर, जमीनी धरातल पर कैसे उतारना है, इसके प्रतीक हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु जाने जाते हैं, जिन्होंने उसे जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। एक नहीं, एक दर्जन मंत्र, एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों के माध्यम से हर एक योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य, एक बिगड़े हुए क्षेत्र को फिर से उठाने का कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं, यह समय भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाने का समय है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो विकास ठप पड़ जाएगा। ये कांग्रेस के लोग जो राम की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, लोग रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, इन लोगों पे कभी विश्वास मत करना। ये संकट के समय आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे, जब संकट आएगा तो राहुल जी को तो नानी याद आती है, इटली भाग जाते हैं। आपके बीच में तो तब कार्य करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ही बचेंगे, यहां पर कार्य करने के लिए आपके बीच में तब पंडित रामकुमार गौतम जी ही बचेंगे। और इसीलिए बहन और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। एक तरफ नारनौत से हमें यहां पर कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बना करके कांग्रेस की जमानत को जब्त करना है। हमने इसीलिए आज यहां पर, मैं स्वयं यहां पे तो आया ही हूं, लेकिन साथ साथ मैंने यहां पर आज अपने दो दो प्रमुख संतों को ही बुलाया है, दादा काला पीर कोथ कला और खुर्द से हम लोगों ने यहां पर बुलाया है। यहां पर सीमांत सुकराई नाथ जी को ही मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई आकर के यहां पर अपना समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैप्टन अभिमन्यु को। बहन और भाइयों, इसके साथ ही
यहाँ पर बाबा पालनाथ जी महाराज भी डाडा से आए हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और फिर इधर नारायण की भूमि है, बाबा लालदास जी की पावन धरा है, उनका आशीर्वाद तो विरासत वालों के साथ ही होना है और वो केवल विरासत का संरक्षण भाजपा कर सकती है। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है कि नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और मेरी आप सबसे ये भी अपील है कि सफीदों के भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व में इस नारनौत से विधायक रहे हैं, वहां की देवतुल्य जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि वहां से पंडित राम कुमार गौतम जी को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके हरियाणा विधानसभा के लिए चुन करके चंडीगढ़ भेजें। इन दोनों लोगों को बना करके भेजेंगे तो ये हिसार को भी बनाएंगे, हरियाणा को भी बनाने का काम मजबूती के साथ आगे करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। सभी लोग अपना दोनों हाथ पा करके खड़ा करके बोलिए मुझे मेरे सामने, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, केवल केवल जनता जनार्दन के सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ पा करके एक बार संकल्पित होकर के बोलेंगे कि हमें कमल ही कमल खिलाना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, 5 अक्टूबर को जगत जननी मां भगवती का तीसरी तिथि है। और याद रखना, मां लक्ष्मी भी जब अपनी कृपा बरसाती है तो जिस आसन पर विराजमान करके बरसाती है वह कमल का फूल ही होता है। हरियाणा को कमल के फूल का वरदान चाहिए ना मां लक्ष्मी का, सुख और समृद्धि चाहिए ना, तो काम भाजपा करेगी, भाजपा को विजयी बना करके जाएंगे, जिताएंगे, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।